नल पुराण इतिहास के एपिसोड 138 में समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे आज एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। यदि आप उस बटन को ऑल पर नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए श्रोताओं, आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मेरे पास प्रसारित करने के लिए है एक कमेंट और उनका नाम है श्रीमान सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं, गुरुजी मैं मेरे परिवार सहित आपके सभी वीडियोस देखता हूं, आपने अभी तक मेरा नाम अपने चैनल से प्रसारित नहीं किया है। तो देखिए श्रीमान सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं देखता हूं कि आपके अधिकांश कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, प्रत्येक वीडियो पर आप कमेंट करते हैं, तो आपका, आप जैसे महान सब्सक्राइबर का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और बार बार अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 137 से जोड़ता हूं। 137वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल और राजा समरजीत दोनों युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। राजा समरजीत के गुरु त्रिकालदेव ने अपनी एक मायावी राक्षसी पैदा की थी जिसका नाम था भैरवी, और भैरवी के एक हाथ में नगिन खड़ग था और दूसरे हाथ में खप्पर था। खप्पर और खड़ग को लेकर के भैरवी राजा नल के सामने चली जा रही है। भैरवी ने सेना की तरफ नहीं देखा, उसका टारगेट था राजा नल। यदि राजा नल बंदी बन जाता है तो ये मान लो कि नरवरगढ़ की सेना हथियार डाल देगी और फिर महाराज समरजीत की विजय हो जाएगी। राजा समरजीत ने पहले ही राजा नल से ये शर्त लिखवा दी थी कि मेरे यहां जादू की भरमार है, ये बंगाला देश है और यह जादू की कमी नहीं है। और जो अगली शर्त थी वो थी समरजीत को पराजित करना, परंतु समरजीत जो आज तक किसी युद्ध में हारे नहीं थे, किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, उन्हें इतनी आसानी से तो हराना संभव नहीं था। हे श्रोताओं, भैरवी राजा नल को बंदी बनाना चाहती थी। राजा नल ने जब एक विचित्र शरीर वाली औरत को आते हुए देखा जिसके हाथ में एक तेग लगी हुई है और एक हाथ में खप्पर लगा हुआ है, तो नल उसे देख करके दहल जाते हैं, अंदर से हिल जाते हैं कि यह विचित्र प्राणी और इस युद्ध के मैदान में देखने में तो कोई विकट राक्षसी लगती है, कोई महाबली, बहुत दैत्याकार शरीर वाली ये राक्षसी यहां कैसे आई, इसका क्या उद्देश्य है, क्या आखिरकार ये मुझे खाना चाहती है। श्रोताओं, राजा नल उसे देख करके पीछे हटने लगे, परंतु भैरवी राजा नल की तरफ आगे बढ़ रही है। राजा नल समझ जाते हैं कि मेरे तेगा और मेरा वीरवर्ण घोड़ा भी इस भैरवी को नहीं हरा पाएगा। राजा नल पीछे हटे और मन में विचार आया कि यदि मैं ऐसे ही पीछे हटता रहा तो ये मेरी सेना को कुछ ही समय में खा करके नष्ट कर देगी, इसका शरीर पर्वताकार है, मैं इससे युद्ध में कैसे जीतूं, विशाल शरीर वाली विशालकाय राक्षसी, इसके सामने मेरा खड़ग भी मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, मेरा वीर वरण घोड़ा भी कांतिहीन हो रहा है। राजा नल सोचने लगे कि अब दूसरा उपाय नहीं है, इसके लिए यदि कोई उपाय है तो रानी गजमोदनी है। देखिए रानी गजमोदनी को महाराज नल याद कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हुए मंत्रोच्चारण द्वारा रानी गजमोदनी का आह्वान कर रहे हैं राजा नल। और जब रानी गजमोदनी का आह्वान किया तो इंद्रलोक में, परीलोक में
रानी गजमोतनी के पास उसके पति की आवाज पहुंची, आह्वान पहुंचा। गजमोतनी ने आह्वान सुना तो अपने शयन कक्ष में आराम की मुद्रा में सो रही थी, और जैसे ही नल का आह्वान गजमोतनी के पास आया तो गजमोतनी एकदम से खड़ी हो गई। सोचने लगी कि फिर आज नरवर शिरोमणि पर कोई संकट है, मेरे वायदा के अनुसार मुझे चलना होगा। गजमोतनी वहां से तुरंत चल देती है और जहां युद्ध हो रहा था, राजा नल और महाराजा समरजीत युद्ध के मैदान में खड़े हुए थे, अपनी अपनी सेनाओं के साथ जंग कर रहे थे, एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। उस युद्ध के मैदान की तरफ रानी गजमोतनी देखती है तो पहचानने में समय नहीं लगाया, और देखती है कि एक पर्वताकार विशाल राक्षसी महाराज की तरफ नगिन खड़ग लेकर के दौड़ रही है, और महाराज नल वीर वरंग घोड़ा को लेकर के पीछे हट रहे हैं, और वह सेना का संहार कर रही है, उसके पैरों के तले सैनिक दब के मर रहे हैं। तो रानी गजमोतनी दौड़ करके महाराज नल के पास आई और महाराज नल से कहने लगी कि राजन, ये कोई और नहीं है, ये महाराज समरजीत के गुरु और आचार्य जो एक बड़े तांत्रिक हैं, जिनका नाम त्रिकालदेव है, उनकी एक मायावी शक्ति है, उनकी एक राक्षसी है, और इसको मारने के लिए आपको नरवरगढ़ के भैरव को याद करना चाहिए। आप याद करो, नरवरगढ़ का महापराक्रमी भैरव आपकी सहायता करेगा। गजमोतनी से राजा नल कहने लगे कि महारानी, क्या भैरव वहां से मेरी सुरक्षा के लिए आएंगे? कि अवश्य महाराज, आप जब युद्ध भूमि के लिए चलते हैं, किसी कार्य के लिए चलते हैं, तो आप माता देवी माता काली के मंदिर में भैरव की पूजा भी करते हैं, और आप उस भैरव का स्मरण करो, वह भैरव अवश्य आएगा और इस राक्षसी से तुम्हारा पीछा छुड़ाएगा। देखिए श्रोताओं, उसी युद्ध के मैदान में राजा नल खड़े हुए काल भैरव का, नरवरगढ़ के भैरव का स्मरण करते हैं, नरवरगढ़ की माता काली का स्मरण करते हैं, और काली से कहते हैं कि मातेश्वरी, अब इस युद्ध के मैदान में इस विशाल राक्षसी से बचाने के लिए भैरव को मेरी सहायतार्थ भेजिए, मेरी सहायता करने के लिए भेजिए। देखिए श्रोताओं, जब भैरव ने राजा नल की पुकार सुनी तो राजा नल की सुरक्षा के लिए भैरव वहां से दौड़ लगाते हैं। जितने भी पराक्रमी नरेश हुए थे, राजा हुए थे, उनके साथ उनके देवी देवताओं का बड़ा योगदान रहा था। बहुत से देवी देवता अपने अपने महाराजों के साथ युद्ध करते थे, उनकी जीत के लिए लड़ते थे। तो भैरव बहुत जल्दी युद्ध के मैदान में आ गए। भैरव ने राजा नल से पूछा कि राजन, आपने अनेकों युद्ध हुए, कितने युद्ध जीते कितने युद्ध हारे मैं नहीं जानता, परंतु आज आपने मेरा स्मरण क्यों किया? तो रानी गजमोतनी बोल उठी बीच में कि भैरव, तुम जानते हो कि ये राक्षसी जो भैरवी है, इसे केवल तुम ही हरा सकते हो, इसे मैं या मेरे पति महाराज नल तो हरा नहीं सकते, क्योंकि इसके पास अद्वितीय अद्भुत शक्ति है, और इन अद्भुत शक्तियों को रोकने के लिए उसके बराबर की शक्ति चाहिए। ये एक तांत्रिक आचार्य त्रिकालदेव की माया है, और उसने माया से इस भैरवी को महाराज के सामने युद्ध करने के लिए भेजा है, इसलिए इसे रोकने का जो उपाय है वो केवल आपके पास है, और कोई इसे नहीं रोक सकता। तो भैरव कहने लगा, महाराज नल, ये भैरवी बस छोटी सी बात, और इसके लिए तुम घबरा रहे हो, चिंता मत करो, मैं अभी इस भैरवी को बंदी बना लेता हूं, और बंदी बना करके जहां से आई है पाताल लोक से, वहीं इसे बंदी गृह में डलवा देता हूं। हे श्रोताओं, अब तो भैरव भैरवी के सामने युद्ध के मैदान में आ गए, और जब भैरवी ने देखा कि ये भैरव ये कहां से आ गया, ये तो बड़ा पराक्रमी है, इसे हराना इतना आसान नहीं है, पर ये राजा नल के साथ युद्ध करने क्यों आ गया? भैरवी ने भैरव को ललकारा कि तुम मेरे सामने आ गए,
मरने से नहीं डरते। भैरव कहने लगे, भैरवी तुम जानती हो हम नर हैं और तुम नारी हो, और नारी पर नर प्रहार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें छूट देता हूं कि यदि प्राण बचाना चाहती हैं तो युद्ध का मैदान छोड़ करके पीछे हट जाओ। भैरवी कहने लगी, इस तरीके से पीछे हट जाऊं तो मेरे गुरु और मेरे आचार्य त्रिकाल देव को क्या कहूंगी, इस तरीके से तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, युद्ध करो। देखिए श्रोताओं, भैरव और भैरवी दोनों में संग्राम हो रहा है। एक तरफ तो जादुई युद्ध और एक तरफ योद्धाओं का वास्तविक युद्ध चल रहा है। राजा नल के सामने स्वयं समरजीत आ जाता है और भैरव भैरवी से युद्ध कर रहा है। राजा नल ने समरजीत को ललकारा और कहा, महाराज समरजीत, आप ये व्यर्थ का रक्तपात कर रहे हो। आप जानते हो कि आज तलक हमसे कोई युद्ध नहीं जीत पाया। हमने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए, फिर तुम क्या हो। जब ये बात महाराज समरजीत ने सुनी तो कहने लगे कि नहीं राजन, क्षत्रिय इस तरीके से पराजय स्वीकार नहीं करते। पराजय के बजाय क्षत्रिय मरना पसंद करेगा लेकिन हार पसंद नहीं करेगा। फिर भी हार जीत युद्ध का हिस्सा है। दो योद्धा लड़ते हैं तो एक की हार और एक की जीत होती है। इसलिए राजन, आप मुझे धमका करके युद्ध बंद करने की कोशिश ना करें, धर्म की दुहाई ना दें, मनोयोग से संपूर्ण मन लगा करके युद्ध करें, और यदि विजय तुम्हारी हुई तो फिर तुम्हारे पुत्र का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया जाएगा। और महाराज याद रखिएगा, यदि विजय हमारी होती है तो आप हमारे बंदी गृह में चाकी पीस रहे होंगे। श्रोताओं, राजा नल ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, महाराज ठीक है, यह फैसला आज ही हो जाएगा। निकालो अपना खड़ग और आओ मेरे सामने युद्ध के मैदान में। परंतु देखिए श्रोताओं, राजा नल और समरजीत जैसे ही युद्ध के मैदान में आए तो तांत्रिक त्रिकाल देव देख रहा था। त्रिकाल देव को पता था कि राजा नल ने एक शक्ति से मेरी भैरवी को रोक दिया है, और जब भैरवी युद्ध के मैदान में कुछ नहीं कर पा रही है और पीछे हटती चली जा रही है तो फिर मुझे दूसरी शक्ति प्रकट करनी होगी। आचार्य त्रिकाल देव तांत्रिक उस जमाने के माने हुए महा जादूगर थे। उन्होंने फिर यज्ञ वेदी पर बैठ करके, हवन कुंड पर बैठ करके अपने राक्षसों का आह्वान किया, मायावी शक्तियों का आह्वान किया, और उसने एक विशालकाय शरीर वाला देवदत्त नामक गण पैदा किया जिसके शरीर पर धड़ नहीं है, जिसके शरीर पर सिर नहीं है और एक हाथ नहीं है, केवल दो पैर और एक हाथ वाला एक विचित्र योद्धा पैदा किया, और उसे एक नंगी तेग देकर के कहा कि जाओ नरवरगढ़ की सेना का विनाश कर दो। हे श्रोताओं, वह देवदत्त नामक विशालकाय शरीर वाला असुर युद्ध करने के लिए राजा नल के सामने चलता है। महाराज समरजीत और नल में युद्ध चल रहा है और देवदत्त भी महाराज नल की तरफ बढ़ रहा है आगे। और उधर भैरव और भैरवी का युद्ध सुनिए। भैरव ने भैरवी से कुछ समय युद्ध किया, तीन पहर युद्ध करते करते व्यतीत हो गई, परंतु न भैरव पराजित हो रहा है न भैरवी पराजित हो रही है। भैरव मन में सोचने लगे कि यदि मैंने इस भैरवी को नहीं रोका तो ये मेरे नरेश नरवरगढ़ के महाराज को अवश्य बंदी बनाएगी। इसलिए भैरव ने एक कीलित जंजीर, अभिमंत्रित जंजीर जो उसको ब्रह्मदेव ने दी थी, उस जंजीर को उस भैरवी के ऊपर फेंक दिया, जिसको लोहिया जाल भी कहा जाता है कहीं कहीं। उस लोहिया जंजीर को या लोहिया जाल को जैसे ही भैरवी के ऊपर डाला तो भैरवी उसमें बंध जाती है, बंदी बन गई। और काल भैरव ने पाताल लोक से अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि इसे ले जाओ और पाताल लोक में हमारे बंदी गृह में बंद कर दो। अपने सेवकों को सौंप करके जो भैरवी थी
भैरव ने अपने सेवकों को सौंप दिया उसे और उसके बाद पुनः युद्ध भूमि की तरफ लौटे। वह देखते हैं कि महाराज नल का युद्ध राजा समरजीत से चल रहा है। भैरव राजा नल के पास आए और कहने लगे, राजन, मैं मानवों के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। मैंने जो तुम्हारा खतरा था वो टाल दिया है, उसको बंदी बनवा दिया है और वो मेरे बंदी गृह में बंद है। अब मैं नरवरगढ़ लौट रहा हूं। राजा नल कहने लगे कि ठीक है देव, आप जा सकते हो, आपने मेरी समय पर सहायता की। भैरव कहने लगे कि राजन, यदि कोई और आपत्ति आए तो आप मेरा स्मरण कर लेना, इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। श्रोताओ, इतना कहकर के भैरव तो नरवरगढ़ को लौट जाते हैं, परंतु जो विचित्र राक्षस यज्ञ वेदी से आचार्य त्रिकाल देव ने प्रकट किया था, वो राक्षस राजा नल की सेना को ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है। राजा नल के और समरजीत के जंग में आकर के हस्तक्षेप आ किया उसने। समरजीत ने देखा कि मेरे आचार्य ने मेरी रक्षा की है और उसके लिए एक योद्धा भेजा है, तो राजा नल से कहने लगे कि राजा, अब भी समय है, अपने प्राण मत गमाओ, हमारे पास अलौकिक शक्तियां हैं। राजा नल कहने लगे कि राजन, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं होता कि आप जादुई युद्ध कर रहे हैं, एक मानव के युद्ध में एक असुर को सम्मिलित कर रहे हैं, ये कहां का नियम है। जब ये बात समरजीत ने सुनी तो समरजीत बोले, राजन, ये नियम चाहे कहीं का हो, लेकिन हमने आपको पहले ही शर्त में परवाने में लिख दिया था कि हमारे यहां जादू की भरमार रहेगी, हमारा युद्ध जादू का होगा, वैसा युद्ध हम नहीं करेंगे। इसलिए राजन, आप जादू के युद्ध से जीतने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। और रानी गजमोतनी तो उसी मैदान में देख रही थी खड़ी हुई उस संपूर्ण दृश्य को। रानी गजमोतनी नल के पास आई और कहने लगी, राजन, ये आचार्य त्रिकाल देव की एक अदृश्य शक्ति है, इसे रोकने के लिए मैं मेरा एक यक्ष भेजती हूं, ये यक्ष शक्ति है, ये इसे रोकने में सक्षम है। राजा नल कहने लगे, रानी, इसे तुम ही रोक सकती हो, मैं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये विचित्र प्राणी है और मेरी तेज और तलवार इस पर कोई असर नहीं कर रही है, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है और ये लगातार मेरी सेना को नष्ट किए जा रहा है। रानी गजमोतनी बोली, महाराज, मैं इसे अभी रोक देती हूं। रानी गजमोतनी ने अपने एक वीर का स्मरण किया और उस वीर से कहा कि ये विचित्र प्राणी जो युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है, जिसका नाम देवदत्त राक्षस है, इसे रोको और इसे शीघ्रता से बंदी बनाओ और बंदी बना करके हो सके तो इसे पाताल लोक में फेंक दो। देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी का जो वीर था वो उस देवदत्त नामक राक्षस के सामने युद्ध करने के लिए चल देता है। रानी गजमोतनी से राजा नल कहने लगे कि महारानी, ये युद्ध मेरी समझ से बाहर है, अब तक मैंने अनेकों युद्ध किए, बंगाले में कई बार तोता बनना पड़ा मुझे, परंतु महारानी, ऐसे विचित्र प्राणियों से तो मैं पहली बार युद्ध कर रहा हूं, ये क्या कारण है, इसको तो आपको रोकना होगा। रानी गजमोतनी कहने लगी कि राजन, इस सब के पीछे इस राजा समरजीत का आचार्य जो तांत्रिक गुरु है त्रिकाल देव, उसका हाथ है, और जब तक त्रिकाल देव जीवित है वो इसी तरीके के वीर पैदा करता रहेगा और जादुई युद्ध चलता रहेगा। राजा नल बोला, रानी, आज का युद्ध तो चलो समाप्त होने वाला है, शाम का वक्त हो चुका है और दोनों पक्षों की सेनाएं धौंसा बजा देती हैं, युद्ध बंद करने का जो बाजा है वो बज जाता है और दोनों पक्षों की सेनाएं वापस लौट जाती हैं, और रानी गजमोतनी भी महाराज नल के साथ शिविर तक आ जाती हैं। राजा नल घबरा रहे हैं उस युद्ध को देख करके। मनसुख, किशनलाल और बड़े बड़े योद्धा हिम्मत हार गए। रानी गजमोतनी से कहने लगे कि देखो महारानी, इस युद्ध में हमने एक अलग तरीके की लड़ाई देखी है,